आसानी से घर पर जलजीरा पाउडर कैसे बनाएं ये मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही में मैंने यहाँ पर तीन चीजें बनाकर भी बताई हैं, तो आप भी इस गर्मी इसे घर में बनाएं और बहुत सारी चीजों में इसे यूज करें। यहाँ पर मैंने एक बंच ले लिया है पुदीने का, फ्रेश पुदीने के पत्ते लेने हैं और इसे मैंने साफ कर लिया है, डंडियाँ जो है मैंने हटा दी हैं, इस तरह से इसके पत्ते अलग कर लिए हैं ताकि ये बहुत आराम से जल्दी से सूख जाए। तो इसे हमने वॉश कर लेना है, बहुत अच्छे से वॉश करना है रनिंग वाटर के नीचे। हरी सब्जियाँ जो होती हैं इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो इसे वॉश करके हम इसे सुखाएंगे। तो मैं इसे पहले वॉश कर लेती हूँ। सारे पुदीने को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और अब इसे मैं एक कपड़े के ऊपर रख दूंगी सूखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक कपड़ा इस तरह से बिछा दिया है, कॉटन का कपड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे सारा पुदीना और इसे हम फैन के नीचे ही सुखा लेंगे, धूप में इसे नहीं सुखाएंगे, नहीं तो क्या होगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो रूम में भी ये 2 दिन में आराम से सूख जाता है, गर्मी के दिन है और गर्मियों में जलजीरा पाउडर बहुत यूज होता है हर घर में, तो आज हम उसी की रेसिपी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने इसे फैला दिया है सूखने के लिए, ये सूख जाए उसके बाद हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। पुदीना बहुत अच्छे से सूख चुका है, आप इसकी आवाज सुनिए, ये देखिए बिल्कुल हाथों से इस तरह से दबा रहे हैं तब भी ये क्रश हो रहा है, इस तरह से हमें सूखा हुआ पुदीना चाहिए। चलिए अब हम बनाते हैं जलजीरा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच जीरा लिया है, इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, अक्खी वाली काली मिर्च ली है, तो दोनों चीज़ों को हम साथ में रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने जो जीरा है उसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि क्या है कभी कभी मॉइस्चर होता है इसमें, तो मॉइस्चर होने की वजह से जो चीज़ है बाद में हमारा जो पाउडर हम बना के रखेंगे वो खराब हो सकता है, तो हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे स्लो गैस पे हल्का सा भून लिया है। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसे मैं लगातार इसी तरह से चलाती रहती हूँ क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। हम इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, कहीं से ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा और कहीं कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इसे चलाते रहते हैं। 1 मिनट हो चुका है तो इसमें अब हमने जो ये पुदीना सुखा के रखा है ये भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम बंद करके ही डालना है, नहीं तो पुदीना जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। हमने इसमें डाल दिया है कि अगर पुदीने में भी कोई मॉइस्चर है, कढ़ाई गर्म है, तो पुदीना भी जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और अब ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, पुदीना, जीरा और साथ ही में काली मिर्च, ये सारी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ भी कहते हैं, वो डालती हूँ। 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सादा नमक जो हम रेगुलर वापरते हैं, 1/2 चम्मच साइट्रिक एसिड जिसे नींबू का फूल भी कहा जाता है, साथ ही में 1 चम्मच मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर का ऐड कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ साइट्रिक एसिड डालना चाहते हो तो आपने 1 चम्मच यूज करना है, साथ ही में 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग की ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है दोस्तों जलजीरा पाउडर की। एक बार हम इसे छान लेते हैं ताकि अगर कोई इसमें टुकड़ा वगैरह रह गया हो तो वो निकल जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से पीसा गया था, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो ये हमारा हो चुका है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 ग्लास रखे हैं। मैं इस पाउडर से आपको 3 चीजें बनाकर बताऊंगी। वैसे तो ये पाउडर बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे आप पानी पूरी का पानी बनाते हो उसमें ये डाल सकते हो, दही वड़े बनाते हो उस पर बना सकते हो, चाट वगैरह बनाते हो उस पर डाल सकते हो, आपने कभी घर में पकौड़े बनाए हैं तो उस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, पकौड़ों का मजा ही आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जलजीरा बनाते हैं। तो हम ले लेते हैं ये पाउडर, 1 स्पून में लेती हूं, इसमें डाल देंगे हम पानी, आपको जैसा पानी चाहिए ठंडा या मटके का आप ऐड कर सकते हो। और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार हो जाता है, गर्मी के दिनों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि पुदीना और जीरा जो है ये ठंडक देती हैं हमारे शरीर को,
इसे यूज करना गर्मियों में बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इस पाउडर को रायते में भी डाल सकते हो। तो ये देखिए जलजीरा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम बनाते हैं दूसरी चीज। हम फिर से ले लेते हैं 1 चम्मच, यहां पर मैं थोड़ा सा कम लूंगी, बहुत ज्यादा भर के मैंने नहीं लिया है। इसी के साथ हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करते हैं। हम नींबू पानी बना रहे हैं पुदीने वाला, तो आपको जैसे शक्कर चाहिए कम ज्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसमें नींबू का जूस ऐड कर देते हैं और फिर पानी डालेंगे। और यहां पर हमारा रिफ्रेशिंग सा नींबू पानी पुदीने वाला तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लगता है ये, टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। आप इस रेसिपी को जरूर बना के रखिए, इस गर्मी में आपको ये बहुत यूज होगी। और इसी के साथ आप इस पे चाहो तो सब्जा भी डाल सकते हो। जैसे सब्जा जो है वो ठंडक प्रदान करता है हमारे शरीर को, तो हम थोड़ा सा इसमें सब्जा भी ऐड कर देते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा हमारा नींबू पानी यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरी चीज क्या बनाते हैं। यहाँ पर फिर से हमने 1 चम्मच भर के ले लिया है जलजीरा पाउडर। इसमें मैं लस्सी डाल रही हूँ, ये प्लेन लस्सी है, छाछ जिसे कहते हैं, तो वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मसाला छाछ बन के रेडी हो जाएगी। इसी के साथ आप इसमें पुदीने के पत्ते को, इस तरह से फ्रेश वाले पुदीने के पत्ते को भी तोड़ के डाल सकते हो। पुदीने के पत्ते डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहो तो इसमें भी आप सब्जा ऐड करके सर्व कर सकते हो। तो हम इसमें भी सब्जा डाल देते हैं थोड़ा। सब्जा भी जो है गर्मियों में कंज्यूम करना बहुत ही अच्छा होता है। तो देखा आपने, एक जलजीरा बना के हम कितने सारे उसके यूज ले सकते हैं। तो आप भी जल्दी से मार्केट से पुदीना लाएं, और बाकी चीजें तो घर में, हर घर में होती हैं। पुदीना लाएं और जल्दी से आप भी इस जलजीरा पाउडर को घर पे बनाएं और हमारे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक दे के हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दे, ताकि जब भी हम अपनी रेसिपी डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।